दोस्तों नमस्कार। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। यह प्रधानमंत्री हठधर्मी है, यह प्रधानमंत्री जिद्दी है, यह सरकार पूंजीपतियों की है। रेलवे बेच दिए, इलेक्ट्रिसिटी बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, आखिर अब किसकी बारी है? मैं विश्लेषण शुरू करूं, मैं कुछ आपसे बताऊं, कुछ चर्चा शुरू करूं, उससे पहले आप ये सनसनीखेज वीडियो देखिए। हो हल्ला, उद्घोष और नारेबाजी से जुड़ा यह खौफनाक मंजर कहां का है, आइए विस्तार से मैं बताता हूं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका जमकर विरोध होना शुरू हो गया। विरोध का आलम आपको इस चलते हुए वीडियो से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल ये पूरी कवरेज जौनपुर की है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों PSB के प्राइवेटाइजेशन का विरोध वास्तव में बहुत तेज हुआ है। आज 16 दिसंबर से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे। यह हड़ताल 2 दिनों तक चलेगी। आम जनता को बहुत सारी मुश्किलों का आज सामना करना पड़ा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज हैं। यह बैंक के कर्मचारी और यूनियन के नेताओं ने सरकार को आंदोलन से इतला कर दिया है। बैंक हड़ताल का सबसे ज्यादा असर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और RBL बैंक के कामकाज पर पड़ा है, क्योंकि इन्हीं बैंकों के अधिकांश कर्मचारी आज से हड़ताल पर थे। इन बैंकों की ओर से यह भी कहा गया है कि 16 और 17 दिसंबर को बैंक हड़ताल की वजह से कामकाज रुके रहेंगे। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार बैंकिंग कानून 2021 पेश करने की तैयारी में है। इसके जरिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51% से घटाकर 26% की जाने की पूरी संभावना है। कर्मचारी यूनियन का यह भी कहना है कि इस संशोधन विधेयक से किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।